हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं कैपिटल सी, स्मॉल सी, कर्सिव सी एंड कर्सिव स्मॉल सी। इसे हम लिखना भी सीखेंगे, इससे ड्राइंग भी बनाएंगे, कलरिंग करेंगे और बहुत ही फन के साथ आज हम इंग्लिश की क्लास करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये लिखा है कैपिटल सी, जिसमें हाफ सर्कल बनाना होता है और सी फॉर होता है कैप, और कैप बनाने के लिए भी हमें ड्रॉ करना होता है हाफ सर्कल। हाफ सर्कल के बाद हाफ सर्कल को मिला दीजिए और फिर से एक कर्व बना करके ये इस तरह से बन गया कैप का आगे वाला पोर्शन। और अब इसमें थ्री पार्ट्स कर देंगे कर्व करके, ये बन गया कैप। बहुत ही सुंदर सा कैप बन गया है आपके लिए, क्योंकि सी फॉर होता है कैप और कैप की स्पेलिंग क्या होती है, सी ए पी। तो फटाफट से अपनी कॉपी में लिख लीजिए सी ए पी, कैप। अब कलरिंग में सबसे पहले मैंने लिया है ग्रीन कलर, ग्रीन कलर के बाद करेंगे हम ब्लू कलर, दिस इज स्काई ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर कर दीजिए। और स्काई ब्लू के बाद हम करेंगे रेड कलर। तो आप कलर्स भी ऐसे ही आप अपने उससे भी करिए, और कलरिंग करने के बाद आप सी से कैप आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न हो जाएगा। कैपिटल सी लिखा हमने, सी फॉर कैप बनाया है, कैप को कलर किया है ग्रीन, ब्लू, रेड एंड नाउ येलो, और येलो कलर मिला के। और कैप की स्पेलिंग क्या होती है, फटाफट से लिख लीजिए कॉपी में सी ए पी, कैप। कैप मतलब होता है टोपी। और अब ये ऊपर वाला पोर्शन भी रेड कर देते हैं। तो ये तैयार हो गया सी फॉर कैप। तो साथ में बोलिए और साथ में लिखिए सी फॉर कैप, और ये हमने लिखा है कैपिटल सी। अब हम करेंगे स्मॉल सी। तो स्मॉल सी भी बिल्कुल उसी तरह से लिखते हैं हाफ सर्कल, बट साइज इसका छोटा होता है क्योंकि ये है स्मॉल सी। और स्मॉल सी से हम बनाएंगे कैरेट। कैरेट बनाने के लिए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, और इसको नीचे से मिला देना है, और ऊपर हम बनाएंगे लीव्स, यानी कि कैरेट की पत्तियाँ। ये बन गए कैरेट की पत्तियाँ। अब बताइए कैरेट किस कलर का होता है, ये देखिए कैरेट की प्यारी प्यारी आईज, लिप्स। बन गया हमारा सी फॉर कैरेट। कैरेट मतलब होता है गाजर, और गाजर किस कलर का होता है वो करने से पहले हम कैरेट की स्पेलिंग लिख लेते हैं। तो सी ए डबल आर ओ टी, कैरेट, सी ए डबल आर ओ टी, ये है कैरेट की स्पेलिंग। कैरेट का मतलब होता है गाजर। अब कलर करते हैं, कलर के लिए कैरेट होता है रेड कलर का, यानी कि लाल रंग का। तो रेड कलर से कैरेट को कर दीजिए। गाजर ज़रूर खाना चाहिए, गाजर बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, यानी कि कैरेट जो है वो आपके लिए बहुत हेल्दी होता है। तो हर सीज़न में गाजर ज़रूर खाइए, अपने घर में सबसे मांग करके खाइए, क्योंकि आप इससे क्या रहिएगा, एकदम हेल्दी और फिट एंड फाइन। तो चलिए रेड कलर से हमने कैरेट कर लिया है। अब हम इसके लीव्स करेंगे, यानी कि पत्तियाँ करेंगे, ये है ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर से फिल कर दीजिए गाजर की पत्तियों को, यानी कि कैरेट की पत्तियों को। तो स्मॉल सी से क्या हुआ, स्मॉल सी से होता है सी फॉर कैरेट। कैरेट मतलब गाजर, सी ए डबल आर ओ टी, कैरेट। तो ये सी से एक और हमने ड्रॉ कर लिया। अब बढ़ते हैं आगे, अब हम करेंगे कर्सिव सी। तो कर्सिव सी में पहले हम करेंगे कैपिटल कर्सिव सी। तो इस तरह से लिखिए आप कैपिटल कर्सिव सी, और कैपिटल कर्सिव सी से बनाने वाले हैं हम क्रैब। तो क्रैब के लिए आपको सबसे पहले बनाना है एक ओवल, और ओवल ड्रॉ करने के बाद क्रैब के लेग्स बनाने हैं और आईज बनानी है। तो इस तरह से आपको ये क्रैब का आगे का पोर्शन है। सी फॉर कैप, सी फॉर कैरेट, सी फॉर क्रैब, आप लर्न भी करते जाइएगा साथ में। और आपको अगर डेली ऐसी क्लासेस देखनी है, फन लर्निंग करनी है, इंटरेस्ट के साथ गेम्स के साथ पढ़ाई करनी है, साथ में ड्राइंग और कलरिंग भी करनी है, तो प्लीज़ मेरी क्लास से ऐसे ही जुड़े रहिए। और इसके लिए आप सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आपको अगर ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं, इंटरेस्टिंग लग रही हैं, ड्राइंग बनाने में बहुत मज़ा आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस करिए, और कमेंट सेक्शन में जाके अपने व्यूज़ मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा, और अपनी ड्राइंग मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। मैं नीचे अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दे रही हूँ, अपना ईमेल आईडी दे रही हूँ, तो आप सी फॉर जब भी ड्राइंग बनाइएगा,
कैप कैरेट क्रैब, तो वो मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। तो ये देखिए फटाफट से हमने क्रैब बना लिया है। कितने सारे लेग्स होते हैं क्रैब? क्रैब का मतलब होता है केकड़ा, तो क्रैब के बहुत सारे लेग्स होते हैं। अब क्रैब की स्पेलिंग भी लिख लें, सी आर ए बी, सी आर ए बी, ये होता है क्रैब। और हमने क्या लिखा है? कैपिटल कर्सिव सी। और अब हम इसको कलर किस कलर से कर रहे हैं? ये है ब्राउन कलर, तो ब्राउन कलर से इसको पूरा फिल कर लीजिए। तो क्रैब को मैंने फिल कर दिया और ये हो गया कैपिटल कर्सिव सी, मतलब सी फॉर क्रैब। अब हम बनाएंगे स्मॉल कर्सिव सी, सेम उसी तरह से लेकिन स्मॉल साइज में। और हम अब बनाने वाले हैं सी फॉर कैंडल। तो चलिए फटाफट से कैंडल ड्रॉ करते हैं। इसके लिए आपको स्ट्रेट लाइन खींचनी है, पहले स्लीपिंग लाइन, देन टू स्टैंडिंग लाइंस, और अब इसको जोड़ दीजिए और ऊपर कर्व बना करके कैंडल की बत्ती बनाएंगे। और जब हम कैंडल जलाते हैं तो कैंडल पिघलता है, तो इसके चारों तरफ इस तरह से पिघला हुआ कैंडल बना दीजिए, नीचे कैंडल स्टैंड। और अब प्यारी सी आंखें बना दीजिए कैंडल की, और कैंडल हंसता हुआ रहता है। तो बन गया ना सी फॉर कैंडल। आप कैंडल की स्पेलिंग लिखिए सी ए एन डी एल ई, कैंडल। कैंडल का मतलब होता है मोमबत्ती, जब लाइट चली जाती है तो जलाते हैं ना, उसे कहते हैं कैंडल या मोमबत्ती। अब इसको स्काई ब्लू कलर से फिल कर दीजिए। तो कैंडल को स्काई ब्लू कलर से फिल कर दिया, और जो जब जलाते हैं तो वो येलो कलर का होता है, तो ऊपर येलो और ऑरेंज कलर से उसकी लाइट बना दीजिए। ये देखिए येलो एंड ऑरेंज से हमने लाइट बना दी, और नीचे कैंडल स्टैंड का कलर एनी कलर जो आपको पसंद हो वो आप कर सकते हैं। मैंने किया है रेड एंड ग्रीन। तो देखिए सी फॉर कैंडल भी बन के तैयार हो गई। तो आज की इंग्लिश की क्लास में बहुत ही मज़ा आया, बिल्कुल फन तरीके से हमने ड्राइंग की, कलरिंग की, और सी के चार तरह से लिखना सीख लिया। क्या क्या? कैपिटल सी सी ए पी कैप, स्मॉल सी सी ए डबल आर ओ टी कैरेट, कर्सिव कैपिटल सी सी आर ए बी क्रैब, और स्मॉल कैपिटल